सर एक मामला है प्रसादन कंपनी प्रतिष्ठान के बिक्री होने का, जिसमें संजय अग्रहरी और शीला देवी के नाम से रजिस्ट्री कराया गया, उसमें स्टाम्प चोरी का कुछ मामला सामने आ रहा है। किस तरह का मामला है और आप लोग की तरफ क्या कार्रवाई की? इन्होंने जो है 2019 में बैनामा कराया था और बैनामे में इनके बैनामे का मुआयना किया गया। मुआयने में जो निर्माण की जो है निर्माण छुपाया था इसमें कुल इनकी जो स्टाम्प की कमी आई है 41,53,770 रुपये इन्होंने जो है स्टाम्प चोरी की है। और इसको जो है अपने जो हमारे सहायक महानिरीक्षक निबंधन है उनको इस रिपोर्ट बना के उनको संदर्भित कर दिया गया है वहाँ स्टाम्प बाद दर्ज करने के लिए। सर ये किस तरह के भूमि रे बताया जाता है कि ये व्यवसायिक प्रतिष्ठान नहीं, व्यवसायिक इनके 100 मीटर के एरिया में व्यवसाय है उसको 50% वृद्धि करके स्टाम्प कमी निकाली गई है। सर ये कब जांच कराई गई? जाँच ये कराई गई 16 तारीख को, रिपोर्ट हमने जो है आज के डेट में बना के AIG साहब को दे दी है। सर नगर पालिका क्षेत्र में एक क्रय विक्रय जमीन का मामला है, बिल्डिंग का मामला है, उसमें 41,53,770 रुपये स्टाम्प चोरी का मामला सामने आया है। सर किस तरह की कार्रवाई की जाएगी, क्या लगता है सर? देखिए शासनादेश ये है कि जो बड़े मामले होते हैं जनपद के 5 बड़े मामले उन सब की जांच कराई जाती है, हर लेवल पे होती है, जिलाधिकारी लेवल पे, ADM लेवल पे, AIG लेवल पे, सब स्टार लेवल पर। इस मामले को भी हम शामिल कर लेते हैं और इसकी भी जांच करा लेते हैं। यदि कमी स्टाम्प पाया जाता है तो मुकदमा कायम करा दें। सर बहुत बड़ा मतलब खरीद बिक्री हुई तो ये मामला जो है रजिस्ट्रार ऑफिस से नहीं बल्कि कहीं और से होना चाहिए था, लेकिन रजिस्ट्री ऑफिस से कराया नहीं। कोई बात नहीं, हम इसमें किसी दूसरे अधिकारी को लगा करके जाँच करा लेते हैं और यदि कमी स्टाम्प पाई जाती है तो मुकदमा कायम होगा।